इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह एक एम सी बी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ट्रिप होता है एम सी बी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक डिवाइस होता है एंड इंसुलेटिंग मटेरियल में इनक्लोज रहता है एम सी बी का मेन फंक्शन यही होता है कि जब इसके थ्रू सेफ वैल्यू से ज्यादा करेंट फ्लो करती है तो सर्किट को ऑटोमेटिकली ट्रिप कराना नॉर्मल स्विच की तरह एम सी बी को भी हम लोग मैनुअली स्विच ऑन और ऑफ करा सकते हैं एम सी बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड ओवरलोड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब फेज एंड न्यूट्रल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो सर्किट में वेरी हाई करेंट फ्लो करती है ड्यू टू दिस सर्किट वायरिंग सिस्टम बर्न हो सकता है इसलिए ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एम सी बी फ्रिक्वेंटली ट्रिप हो जाता है लेकिन ओवरलोड फॉल्ट में उतना हाई करेंट फ्लो नहीं करती है जिसके कारण सर्टेन टाइम के बाद एम ट्रिप करता है एम डिफरेंट मेन एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक क्वाइल एंड बाई मेटालिक स्ट्रिप मैग्नेटिक क्वाइल एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसके साथ प्लेंजर अटैच रहता है जब मैग्नेटिक क्वाइल में करंट फ्लो करती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि प्लेंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पर बाई मेटालिक स्ट्रिप है जो कि दो मेटल के कंपोजिशन से मिलकर बनता है जब एम के रेटिंग से ज़्यादा करेंट इससे फ्लो करती है तो स्ट्रिप जो है वो हाईली हीट होने पर बेंड होता है जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टू ट्रिप द एम दो ट्रिपिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है मैग्नेटिक क्वाइल ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एम को ट्रिप कराता है एंड बाय स्ट्रिप ड्यूरिंग ओवरलोड एम को ट्रिप कराता है इस कॉन्सेप्ट को वर्किंग में क्लियर करेंगे यहाँ पर थ्री एलिमेंट दिख रहा है दैट इज ट्रिगरिंग लीवर फिक्स्ड कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट ट्रिगरिंग लीवर का मेन फंक्शन होता है मूविंग कॉन्टेक्ट को फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से सेपरेट से करना ताकि एम ट्रिप हो सके एंड बोथ साइड टर्मिनल ब्लॉक प्लेस्ड रहता है जिसके थ्रू एम का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं ट्रिगरिंग लीवर एंड बायोमेटालिक स्ट्रिप दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड रहता है ड्यूरिंग ओवरलोड कंडीशन जब स्ट्रिप बेंड होगा तो ट्रिगरिंग लीवर भी डाउनवर्ड पुल होगा जिससे मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से सेपरेट हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुछ इस तरह रहता है करंट जो है वो टर्मिनल ब्लॉक से मैग्नेटिक क्वाइल में जाती है एंड मैग्नेटिक क्वाइल से फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट के थ्रू बायो मेटालिक स्ट्रिप में जाती है एंड देन टर्मिनल ब्लॉक के थ्रू सर्किट को कंप्लीट करती है एक एम का बेसिक कंस्ट्रक्शन यही होता है प्रैक्टिकली एम में वेरियस एलिमेंट होता है जिसको प्रैक्टिकल वीडियो में हम लोग देखेंगे पर एकेडमिक एग्जाम में आप इस डायग्राम को ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं नाउ इसके वर्किंग को समझते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट एक दूसरे से अटैच रहता है करंट को कैरी करता है सपोज सर्किट में ओवरलोड फॉल्ट ऑकर होता है उस टाइम बायोमेटालिक स्ट्रिप से एक्सेस करेंट फ्लो करती है जिसका वैल्यू एम सी बी के रेटेड करेंट से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में बायोमेटालिक्ट्रिप जो है वो एक सर्टन टाइम के बाद हीट होकर बैंड हो जाता है जिसके कारण जो ट्रिगरिंग लीवर है वह मूविंग कॉन्टेक्ट पर पुल डाउन होता है एंड फिक्सड एंड मूविंग पार्ट सेपरेट हो जाता है जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है एंड जब कुछ टाइम के बाद फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो बायोमेटालिक स्ट्रिप अपना इनिशियल सेट में आ जाता है जिससे फिक्सड एंड मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाता है एंड सर्किट से अगेन करेंट फ्लो करने लगती है यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जब बायोमेटालिक स्ट्रिप से ज़्यादा करंट फ्लो कर रही थी तो उस टाइम मैग्नेटिक क्वाइल में भी करंट फ्लो कर रही थी तो वो प्लेंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं किया तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पलंजर जो है वो स्प्रिंग से कनेक्ट रहता है जो कि प्लंजर को होल्ड करके रखता है एंड ओवरलोड केस में उतना इनफ़ करंट फ्लो नहीं करती है जो कि प्लंजर को अट्रैक्ट कर सके अब समझते हैं एम शॉर्ट सर्किट में कैसे ऑपरेट होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन फिक्सड एंड मूविंग पार्ट जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहता है एंड जब कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होकर होता है तो उस टाइम इस मैग्नेटिक क्वाइल से वेरी हाई करंट फ्लो करती है जिसके कारण स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसका इंटेंसिटी स्प्रिंग के होल्डिंग पावर से ज़्यादा होता है उस कंडीशन में मैग्नेटिक क्वाइल प्लंजर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड प्लंजर ट्रिगरिंग लीवर पर स्ट्राइक करता है एंड ट्रिगरिंग लीवर के कारण मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से सेपरेट हो जाता है एंड सर्किट ब्रेक होने के कारण करंट फ्लो नहीं करती है एंड सर्किट में कनेक्टेड जो डिवाइस है वो डैमेज होने से बच जाता है एंड आफ्टर सम टाइम फोल्ट जब क्लियर हो जाता है तो स्प्रिंग प्लंजर को उसके इनिशियल पोजिशन पर ले आता है जिससे ट्रिगरिंग लीवर ऊपर आ जाता है एंड फिक्स्ड कॉन्टेक्ट मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ अगेन अटैच हो जाता है एंड सर्किट कंप्लीट होने के कारण अगेन करंट फ्लो करने लगती है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन एम सी बी फ्रिक्वेंटली सर्किट को ट्रिप कर देता है बाय मैग्नेटिक क्वल बिफोर रीचिंग द करेंट इन बायो मेटालिक स्ट्रिप सो so, इस तरह से एक एम वर्क करता है एंड सर्किट में कनेक्टेड लोड को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है देर आर मैनी एडवांटेजेज ऑफ एम सी बी एम सी बी मोर सेंसिटिव डिवाइस होता है कोई तो भी अब नॉर्मल कंडीशन होता है तो ये फ्रिक्वेंटली डिटेक्ट कर लेता है एंड सर्किट को ट्रिप करा देता है एम सी बी पार्ट को ईजिली डिटेक्ट कर लेता है एम सी बी ऑटोमेटिक ट्रिप होता है एंड फॉल्ट क्लियर होने के बाद अगेन सर्किट को क्लोज कर देता है जिससे करंट फ्लो करने लगती है एम का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है एम इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत ही सेफ बनाता है इट हैज़ बेटर इंटरफेस नोव सिंपल टू रिज्यूम सप्लाई एम का साइज जो है वो स्मॉल रहता है सो इट इज़ आल्सो एन एडवांटेज एम जो है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट ये फ्रिक्वेंटली ऑपरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वाइल एंड जब ओवरलोड फॉल्ट प्रोटेक्शन रहता है तो वहाँ पे सर्टेन टाइम के बाद जब स्ट्रिप हीट होकर बेंड होता है तो ऑपरेट होता है एंड एम ट्रिप होने के बाद सर्किट ब्रेक हो जाती है एम का जो डिज़ाइन है एंड इसका साइज़ है वो कॉम्पैक्ट होता है तो इसको ईजीली हम लोग कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं एम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसका जो प्राइज़ है वो हाई होता है इट इज़ हाई कॉस्ट डिवाइस इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें दो टाइप का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है एम का यूज़ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए एज अ प्रोटेक्शन डिवाइस किया जाता है इसका यूज़ लाइट फैंस हीटर्स एक्सेट्रा अप्लाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंट एंड ओवरलोड फोल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिट के कारण वेरी हाई करंट सर्किट में फ्लो करती है तो उस टाइम जो एम है वो इंस्टेंटली ड्रिप हो जाता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें